भाई क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इनकम अब जाने लगी है खातों में। इससे पहले कांग्रेस ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इन्हीं के बड़े नेता का वो बयान, एक रुपया चलता था तो कितना पैसा पहुंचता था, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के जमाने में किसी के खाते में कोई पैसा कभी पहुंचा नहीं। और जितने इनके मीडियम्स बीच में होते थे, वो मीडियम ने कभी किसी के हाथ में उसकी कमाई पहुंचने ही नहीं दी, भले वो मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या वो किसी व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। ऐसे में आज ये पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि भले वो बेनिफिशरीज हों, वो लाभार्थी हों जिनके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफर जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का प्रबंध अगर किसी ने कराया, अगर ये प्रबंध नहीं होता ना, तो आज की तारीख में कांग्रेस ये सोच भी नहीं पाती। ओवैसी ने तेजस्वी यादव को अपना दूल्हा भाई बताया है, विवादित बयान दिया है। भाई बोलते रहे, जो उनको बोलना उनके आपस की बात है। भाई देखिए, ये जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार, पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको, इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे, और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध राजनीति की, 2009 का उदाहरण हम लोग के सामने ही है किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी, हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है, और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया। ऐसे में बहरहाल ये चुनाव का समय है, आप जनता के दरबार में हैं, जनता ही ये फैसला लेगी। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा, एक आदमी इनके पक्ष में नहीं जाने। गिरिराज सिंह ने छोड़ो ना यार। देखिए, ये राजद की संस्कृति है। राजद ये इसके लिए ही जाना जाता है, दूसरे को गाली देना और समाज के लिए कुछ काम नहीं करना। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस 10 इक्वल्स टू लालटेन। आज महेश्वर हजारी जेडीयू ज्वाइन बेटे जो